नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई आज तय हो गई। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन के 28 दलों ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ कमर कस ली। 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे की बातचीत फाइनल करनी है और 30 जनवरी को संयुक्त कैंपेन शुरू करने पर सहमति बनी है। गठबंधन के नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला गया, लेकिन खुद खड़गे ने बाद में इसको तवज्जो नहीं दी। बहरहाल, बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डीएमके के टीआर बालू, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम इस मीटिंग में शामिल रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, गठबंधन का साझा घोषणा पत्र क्या होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इन जटिल मुद्दों पर कोई फाइनल बात नहीं हो पाई। उधर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आज एक बार फिर 300 पार का नारा देकर ताल ठोक दी है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किसने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है और जनता उसको देखती है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष रूप से इस बात को कहा कि पिछले 10 साल में मैं जिस दिन भी मंगल को दिल्ली में रहा हूं मैंने एक बैठक भी छोड़ी नहीं है, उसको बकायदे अटेंड करता हूं। और बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने कहा, मेरे कार्यकर्ता का भाव जिंदा है, उससे मन को बहुत संतोष मिलता है कि जिस संगठन के विस्तार में पीढ़ियों ने अपना जीवन खपाया वो परंपरा चलनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, जो वर्तमान संसद में हुआ इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है, कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो नौजवान बच्चे लोगों ने कुछ किया उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिफाई करना, ये तो और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं, एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना, और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा।
और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक 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 जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके गठबंधन की 28 दलों की बैठक में आज काफी कुछ तय हुआ, लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है वो बताती है सब कुछ ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, बहुत सारी बातें की, किस तरह सीट शेयरिंग होगी, कैसे आगे रणनीति बनाएंगे, किस तरह से, लेकिन बताते हैं बैठक में जो सबसे बड़ी बात हुई वो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने उनका समर्थन कर दिया और यहीं से एक बार फिर गलत ट्रैक शुरू हो गया। नीतीश कुमार नाराज हो गए, लालू यादव भी नाराज हो गए। बताते हैं लालू और नीतीश मीटिंग के बीच से छोड़कर निकल आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार नहीं दिखे, लालू यादव नहीं दिखे। तो चौथी मीटिंग में एक बार फिर जहां से चले थे वहीं पे आगे ठहरने वाली बात साबित हो गई। नीतीश कुमार की बात कहें तो न माया मिली न राम वाली हालत हो गई उनकी। नीतीश कुमार शुरू से इस गठबंधन को बनाने वाले अगवा नेता रहे, उनको लगता था सयोजा का पद आखिरकार उनको मिल जाएगा। पहले की तीन बैठकों में कांग्रेस ने उनके नाम को तवज्जो नहीं दी, लेकिन कांग्रेस जब तीन राज्यों में चुनाव हार गई तो नीतीश और लालू को लगा शायद एक बार फिर कांग्रेस जमीन पे आ गई है, उसके तेवर ठीक हो गए हैं और अब उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन चौथी बैठक में फिर वही रुख देखने को मिला, नीतीश कुमार एक बार फिर अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, मीटिंग से चले गए। बहुत सारी चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के आगे। इससे पहले बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता दल के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह, शिवसेना यूपीडी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, अपना दल के यूपी से कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, डीएमके के टीआर बालू, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, ईटी के मोहम्मद बशीर, ई के इलंगोवन, आरएसपी के केएन प्रेमचंद्रन, केरल कांग्रेस एम के जोस के मणि, एनसीपी के सुप्रिया सुले, जेएमएम के महुआ माझी समेत 28 दलों के नेता शामिल हुए। और जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो हैं सकारात्मक एजेंडा तय करना, सीटों का बंटवारा कैसे हो, नए सिरे से रणनीति बनाना, साझा जनसभाओं पर मंथन और संसद से विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ है उस पर किस तरह से सत्ता पक्ष का मुकाबला किया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई।
यह भी तय हुआ कि जात आधारित जनगणना पर क्या स्टैंड लेंगे। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता मुकुंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह मौजूद रहेंगे। सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी, इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भरत सिंह जी, जिस तरह से आज बैठक हुई, क्या कहेंगे, सकारात्मक नतीजे निकल के आए? खड़गे साहब को पीएम फेस बना दिया गया? भरत सिंह जी, जिस तरह से आज गठबंधन की बैठक हुई, 28 दलों के नेता शामिल हुए, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम नेता के तौर पर सामने आया, क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, मान लिया है प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा सामने लाया जाएगा? देखिए, हमारे नेता श्री खड़गे जी ने बयान भी दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पहले हम लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद में जो चेहरा तय कर लेंगे। अब इससे स्पष्ट तौर पे इससे बढ़िया तो बयान आम नहीं आ सकता है। इसको क्या माना जाए, बिना फेस के जाएंगे, बिना किसी चेहरे के जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के सामने? मैं उन सभी दलों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया। मैं ममता दीदी का मैं तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन खड़गे जी ने जो बयान दिया है कि ठीक है, पहले हम लड़ेंगे और जीतेंगे, उसके बाद में हम तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भरत सिंह जी, सीधा सवाल है, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बिना नेता के आप जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, कौन चेहरा होगा 2024 के चुनाव में? ये आज का जो विषय था, मैंने आज का विषय बताया। अभी समय है, चुनाव में 6-7 महीने बचे हुए हैं, तो 6-7 महीने में अभी बहुत सारी मीटिंगें होने वाली है, उस समय एजेंडा क्या क्या तय होता है सारा एजेंडा आपके सामने रखा जाएगा नवीन जी। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा साहब, आपकी तरफ से तय हो गया है खड़गे साहब पीएम फेस बनेंगे? ये कहा हुआ है, देखिए ये चीज कही गई है कि खड़गे साहब सबको एक साथ लेकर के, सारे दलों को एक साथ लेकर के चलेंगे। ये कहा हुआ कि पीएम के लिए भी वो है, ये भी तय होगा कि पीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तय होगा, सब कुछ होगा और आप सबके सामने आएगा, जो नाम होगा वो सबको स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पर आज भारतीय जनता पार्टी कर दिया, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, अब क्यों हिचक हो रही है आपको? नवीन भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो कह रही है आप पहले फेस दिखाइए। अरे मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 जगह चुनाव लड़ा, 3 स्टेटों में अपने नाम घोषित करा, नहीं करा, चुनाव के बाद इन्होंने सारे सीएम के चेहरे बदल दिए, तो ये कोई वो नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दा है देश के चुनाव को, राज्यों को चुनाव से बराबर मान के चल रहे हैं। नहीं, जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी आप चेहरे की बात हो रही थी, चेहरे की किसके चेहरे पे, तो हमारे यहाँ तो बहुत से चेहरे हैं, किसी के भी एक चेहरे से हम लोग नहीं लेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि मोदी के बाद कौन, कि मोदी को सोचना है, मोदी जी को सोचना है कि मोदी जी के बाद कौन, भारतीय जनता पार्टी को सोचना है मोदी जी के बाद कौन, ये वो लोग अपना डिसाइड करें। हमारे यहाँ देखिए आपके यहाँ क्या पक रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो होगा सबके सामने आएगा। हम लोग बगैर ठहरे, बगैर निष्पक्ष एकदम चुनाव हम लोग चाहते हैं कि चुनाव 2024 हो वो निष्पक्ष हो, पर हमें भी ये संदेह है कि आप लोग ये चाहते हैं कि 2024 के अंदर जो भी चुनाव हो वो बैलेट से इस पर आ दी जाए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है तो। ठीक है, मुकुंद कुमार जी, नीतीश कुमार लालू यादव मीटिंग को बीच में छोड़ कर चले गए, क्या लगता है सब कुछ ठीक नहीं है, खड़गे साहब को का नाम देने से डर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी नवीन जी नमस्कार, आपको, भरत सिंह जी को नमस्कार, सुनील मेहरोत्रा, सुमित मेहरोत्रा जी को नमस्कार और इंदुकांत जी को मेरा नमस्कार। तो अभी भरत जी ने जो कहा उसी बात से मैं आता हूँ कि मतलब अब नेता चुना इन्होंने या क्या, क्योंकि मीटिंग के बाद जो तीनों अलग अलग पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं या जो सीपीएम के लीडर के बयान आ रहे हैं, तो सबके बयान तो अलग अलग हैं। तो अब ये लड़ेंगे 2024 में किससे लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, खुद से लड़ेंगे, देश से लड़ेंगे, सीटों के लिए लड़ेंगे, तो बात से लड़ेंगे पहले तो वही तय हो। और रही बात, अभी सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे थे कि बीजेपी को क्या तय करना है, तो बीजेपी तो जो एक कदम आगे बढ़ रही है, अभी इन्होंने अपने बयान में ही कहा कि ये
जो है जो बीजेपी ने किसी राज्य में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया और ये उसी को कॉपी करने जा रहे हैं, तो बोले बीजेपी जो कदम छोड़ के जाएगी उसमें बहुत लोगों को कॉपी करना है और बीजेपी अभी दूर दूर तक अभी इंतजार करेंगे 24 बार। मुकुल कुमार जी ठीक है, आपकी बात सही है, बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि कम से कम चौथी मीटिंग में विपक्ष एक हो गया, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति हो गई, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई तो है। देखिए नवीन जी, एक बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि डर बीजेपी की जब एक सीट थी तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो बीजेपी का तो डर से कहीं कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। डर उसको होता है जो स्वार्थ साधने आता है और जो प्रीफिक्स एजेंडा के साथ आता है कि आप एक मीटिंग में जाते हैं और अपना प्री डिसाइडेड एक मानसिकता लेके जाते हैं कि ये हुआ तो बहुत बढ़िया, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। वो गली क्रिकेट में होता है ना, बच्चे खेलते हैं, बोले टॉस हुआ, बोले हेड आई तो मेरी बैटिंग और हेड नहीं आई, खेल नहीं आई तो नहीं मेरा बैट है, मैं घर लेके जाऊंगा। तो ये जो मीटिंग हो रही है आज तीसरी चौथी मीटिंग, ये उसी लाइन पे चल रही है। ठीक है ठीक है, बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत के नव निर्माण के शिल्पकार हमारे कामगार अब किसी भी परिस्थिति में नहीं है अकेले, हर कदम पर साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हर श्रम साधक को काम और सम्मान दिलाने में निभा रही है उपयोगी भूमिका। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पारंपरिक कार्यों को चिन्हित कर कारीगरों को मिला निशुल्क प्रशिक्षण, उन्नत किस्म का टूल किट। प्रशिक्षण अवधि में कारीगरों के परिवार की जीविका प्रभावित न हो इसके लिए की गई मानदेय की व्यवस्था। विभिन्न बैंकों के माध्यम से कामगारों को उपलब्ध कराया जा रहा है बिना गारंटी लोन। कामगारों के सम्मान के साथ ही ODOP और MSME को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में उपयोगी भूमिका निभा रही है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। श्रमिकों का सम्मान, हुनर को नई पहचान। ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन का 28 दलों की मीटिंग के बाद देश को एक संदेश चला गया है कि 2024 की लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होगी। बहुत बड़ी खबर आज निकल के आई, हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दीक्षित जी, जिस तरह से आज बैठक हुई, आप ये मानते हैं थोड़ी बहुत असहमतियों के बावजूद ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विपक्ष के लिए, खास तौर से जिस तरह से बीजेपी बहुत मजबूत है आज की स्थिति में, लेकिन विपक्ष ने आज दिखा दिया कहीं ना कहीं वो मुकाबला करने की पोजीशन में आ रही है। जी नमस्कार नवीन पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। जी मुकुंद जी को, समित जी को और भरत जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए एक बड़ी बात जो उभर की आई है सबसे, वो ये है कि ऐसा जो लग रहा था कि बिखर गया है INDIA गठबंधन, वो फिर से एकजुट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। उन्होंने आज कम से कम इतना सिद्धांततः तय कर लिया कि हम असहमत नहीं होंगे, इसकी सहमति हो गई। तीसरा बड़ी बात, तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी के पहले पहले कहां कहां कैसे मिलकर कर सीटों का बंटवारा करेंगे, इसका फैसला कर लेंगे। और 22 दिसंबर को केंद्र की जो सरकार जिस तरह से संसद को चलाने का प्रयास कर रही है उसका विरोध करेंगे और कम से कम 6 से 7 बड़ी अपने मन एक साथ सजाएंगे और देश में बड़े इस तरह की सभाएं करेंगे। ये भी एक बड़ी सहमति शुरुआत के लिए है। लेकिन अब इसमें पेश क्या है और समस्या क्या है? देखिए मैं कई बार आपके यहाँ चैनल पे भी अपने भारत जी के सामने भी कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा होता कि जो सेमीफाइनल 5 राज्यों का था उसके पहले ये एकजुटता करने का प्रयास किया जाता तो आपके पास समय होता। अभी एक कहावत हमको याद आती है
कि तक वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख जाए तो बारिश का क्या फायदा। आपने आज एक साल में चौथी बैठक की और अभी ये तय हुआ है कि हम इस बात पे सहमति हुई कि हम सीटों के बंटवारे से असहमत नहीं होंगे, लेकिन सीटों का बंटवारा इतना पेचीदा काम है नवीन जी, उसको एक तारीख तक पूरा होने के लोगों ने बात कह दी है, लेकिन कितनी बार कब कैसे मिलेंगे। और जो बड़ी बात कही खड़गे साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हम अपने स्थानीय दलों को बोलेंगे कि हमारे स्थानीय दल और यूनिट आपस में बात करके विभिन्न दल सीटों का अरेंजमेंट कर लेंगे और जिन सीटों का अरेंजमेंट जिन राज्यों में नहीं हो पाएगा उनको लेकर आप आएंगे तो हम अपने गठबंधन की बैठक में सारे नेताओं की उपस्थिति में तय करेंगे। इतना समय आपके पास कहाँ है। आप देखें कि भाजपा ने 5 राज्यों के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में अप्रत्याशित जीत दर्ज करके जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं आपको पराजित करके कांग्रेस को मजबूर किया है। आज देखिए कांग्रेस जो एक अपर हैंड लेकर के अलायंस करना चाहती थी, उनके अलायंस के पार्टनर्स इस बात के अंदर खाने में खुश हैं कि वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए हार कर और अब समझौता उनके अनुकूल ज्यादा होगा। अब इसमें जो एक कहते हैं कि स्पेस लेने की जो लड़ाई होगी वो इतनी आसानी से सज जाएगी ऐसा मुश्किल दिखता है। और भाजपा एक जो अपिश होता है मूड कि आपने 5 में 3 राज्य जो कि प्लानिंग कर रहे थे 3 जीत कर करके वो भी हिंदी हार्टलैंड में और एक विक्टोरियस मूड में वो चुनाव प्रचार में लग गए। आपको मैं बताऊं 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, इसके पहले कश्मीर तक जाने वाली ट्रेन का उद्घाटन, कल आपने देखा बनारस में दूसरी वंदे भारत का उद्घाटन हुआ, आने वाले समय में 15 मार्च तक सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा और आप चुनौती बहुत तगड़ी है, लड़ाई करेंगे बहुत तगड़ी चुनौती है जी। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि आप गठबंधन के लिए एकजुट होकर सीटों का बंटवारा करके बीजेपी का बिना किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बिना किसी प्रॉपर एजेंडा के मुकाबला कर पाए। ठीक है चलिए पूछ लेते हैं भरत जी से। भरत जी जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने गठबंधन की शुरुआत की, सारी मेहनत की, सबको एक किया और बार बार आप उनको नाराज कर देते हैं, अरे कन्वेनर का पद देने में आपका क्या चला जाता था, आज फिर नाराज होकर चले गए, बेंगलुरु में चले गए थे, आप लोग क्यों बार बार मतलब उनको नाराज कर रहे हैं। नवीन जी आज दो मीडिया भाई हमारे जो है ना कहां कहां से क्या क्या कयास लगा लेते हैं और सारा रिजल्ट ला के दे देते हैं कि देखिए नाराज हो गए। अभी चुनाव जब खत्म हुआ 3 राज्यों का तो ये हुआ कि भाई ममता दीदी नाराज हो गई, वहाँ अखिलेश जी नाराज हो गए, वहाँ सब नाराज हो गए, अब इंडिया का क्या होगा, गठबंधन का क्या होगा। नाराज नहीं हुए तो सारे लोग थे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लालू यादव नीतीश कुमार क्यों नहीं थे। देखिए क्या होता है कि कुछ व्यक्तिगत भी काम होते हैं ना, कुछ काम होते हैं, कुछ जरूरी काम निकल जाते हैं, जाना पड़ता है। हर बार बेंगलुरु में भी काम निकल आया था, यहाँ भी काम निकल आया। चलिए चलिए अच्छा बताइए ठीक है। आप नहीं मैं ये कहता कि भाई चाची को मूछे होती तो चाचा कहलाते, लेकिन अब वो यही तो हो गया कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से कयास लगा लेते हैं। लेकिन सीधा सवाल नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं, इतनी साफ छवि है, इतने बड़े राज्य से आते हैं बिहार से, उनको आप कुछ आगे बढ़ाना नहीं चाहते। नहीं कौन कहा, फिर मैं कह रहा हूँ ये मिथ्या जो है वो ये जो है ना मीडिया लेके आती है और मीडिया है ना उस हिसाब से सवाल पूछती है। हमसे कुछ अलग सवाल पूछेंगे आप और भाजपा से कुछ अलग पूछेंगे, ये आपका दायित्व है, पूछना भी चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें मैं बुरे इसमें कहते जरा मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको खड़गे जी ने एक बार भी ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, खड़गे जी ने ये कहा कि ठीक है पहले हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद में जब हम जीतेंगे तो जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है उसमें कोई भी बन सकता है, नीतीश जी भी बन सकते हैं, जो है ममता दीदी भी बन सकते हैं और शरद पवार जी भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है ना, वो तो आपसी आपसी समझौता संबंध जब बैठेंगे तब होगा ना। लेकिन भाजपा को तो तकलीफ है ना भाई, भाजपा को क्या तकलीफ क्या है, ये जब चुनाव लड़ रहे थे 3-5 राज्यों का जब चुनाव हुआ तो ये बोले भाई कौन भैया मुख्यमंत्री होगा, 15-15 साल जो मुख्यमंत्री था उसको भी आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, तो आप लोग पूछते ही नहीं है, आप लोग पूछते नहीं है कि भैया बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा। ना जी ना ना एकदम मत पूछना, हम तो एक ही निशान है, हमारा कमल निशान है। चलिए बीजेपी तो छोड़िए, आप इतना बता दीजिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकला आज। मैं
मैं पहले 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 पूरा कर लूं, पहले उसको मुद्दे से भटक रहे ना, तो बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं, आज तो मुद्दा आप पे है। अरे कैसे, अच्छा कैसे मैं भटक रहा हूँ बताइए। हमने आपसे सवाल किया कि जब ये तीन पांच राज्यों में अपने मुख्यमंत्री नहीं क्लियर करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, तब आप जो है कहते हैं मुद्दे से भटक रहे हैं, और ये कहते हैं अच्छा उस समय ये पूछ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री, तो क्लियर कर दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए कि आप चेहरा नहीं लेके आ रहे, क्लियर कर दीजिए ना। फिर उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम चेहरा नहीं लेके आ रहे। मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं क्लियर किए थे ना भाई, क्लियर कहा, उन्होंने कहा था मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं हम, किसी का चेहरा नहीं। आप बताइए ना किसके नाम पे लड़ रहे हैं आप बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। एक भी भाजपा का प्रवक्ता है उस समय, मैं भी चैनल पे बैठता था, इंदु भाई भी है, पूछ लीजिए, कहते थे नहीं 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 हम जो है मोदी जी के लिए हम कमल के, पहले बोले मोदी मोदी, जब मोदी जी बोले नहीं, बोले कमल के जो है चुनाव में लड़ रहे थे, मोदी जी ने एक मीटिंग में, आप बोल लीजिए पंजे में लड़ रहे हैं, बोल तो दीजिए कम से कम, जनता को पता तो लगे। हमारा हमारा इंडिया अलायंस का गठबंधन है, और उस गठबंधन हमारा वो गठबंधन चेहरा होगा, और उस चेहरे के साथ हम चुनाव में जाएंगे, उसमें सभी पार्टी होगी। आज 28 पार्टी है, आगे देखिएगा 36 पार्टी हो सकती है। दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि ये सवाल पूछना चाहिए, आप मीडिया बंद हुए जो तीखा सवाल हमसे पूछते बहुत अच्छा लगता है, आपका दायित्व है और पूछना चाहिए, उसका जवाब भी मुझे देना चाहिए और ठोक के देता हूँ। तो उसी तरह से भाजपा से भी पूछना चाहिए कि भैया ये बताइए कि आप तो कहीं बोलते हैं कि जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के जो है सर पे चेहरा बांधेंगे, हारेंगे तो क्या हार किसके ऊपर बांधेंगे भाई, तेलंगाना आप हार गए, ये तो नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे हारे, आप बोल रहे हैं कमल के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम जो लड़ेंगे वो इंडिया गठबंधन का एक चेहरा होगा, उस चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, साफ तौर पे कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस का जो एक गठबंधन होगा उस गठबंधन के चेहरे पे हम चुनाव में जा रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, और जीतने के बाद जब वो जो प्रधानमंत्री बनने का समय आएगा उस समय सारे गठबंधन के नेता बैठ के आपस में तय करेंगे, जो भाजपा एकदम बौखलाई हुई है। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत के नव निर्माण के शिल्पकार हमारे कामगार अब किसी भी परिस्थिति में नहीं है अकेले, हर कदम पर साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हर श्रम साधक को काम और सम्मान दिलाने में निभा रही है उपयोगी भूमिका। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पारंपरिक कार्यों को चिन्हित कर कारीगरों को मिला निशुल्क प्रशिक्षण, उन्नत किस्म का टूल किट। प्रशिक्षण अवधि में कारीगरों के परिवार की जीविका प्रभावित ना हो इसके लिए की गई मानदेय की व्यवस्था। विभिन्न बैंकों के माध्यम से कामगारों को उपलब्ध कराया जा रहा है बिना गारंटी लोन। कामगारों के सम्मान के साथ ही ODOP और MSME को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में उपयोगी भूमिका निभा रही है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। श्रमिकों का सम्मान, हुनर को नई पहचान। ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका फिर स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आज 28 दलों के नेता शामिल हुए और बात बन गई बीजेपी गठबंधन के खिलाफ संयुक्त तौर पर प्रत्याशी उतारने की। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं मुकुंद कुमार जी। जिस तरह से आज फिर आप लोगों ने विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया, कुल 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, बहुत बड़ा सवाल है इस देश में, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। आप लोग लगातार ये क्या कर रहे हैं, क्या जानबूझकर चुनाव से चार महीने पहले विपक्ष की थाली में सजाकर मुद्दा नहीं दे दिया आपने? बहुत अच्छा सवाल है, और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों देश की जनता जनता ने आपको संसद में किस लिए भेजा है, सकारात्मक काम के लिए भेजा है या नकारात्मक शोर के लिए भेजा है। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना है हमको, पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रॉब्लम शूटिंग एटीट्यूड रखना है या प्रॉब्लम क्रिएटिंग एटीट्यूड। तो जब साफ रक्षा मंत्री ने बोला कि
अगर इसमें चूक हुई है सुरक्षा में तो हम मिलके इस पे कोई नीतिगत फैसले लेते हैं और हम एक अच्छी सुरक्षा की पॉलिसी बनाते हैं, तो ये संसद की कार्रवाई रोक के हो सकती है। संसद तो फिर भी आप चला नहीं पा रहे हैं, मुद्दा आपने दे दिया है, इसके पीछे की रणनीति सिर्फ समझ में आ नहीं रही है, पता नहीं क्या बताना चाहते हैं आप लोग देश को। जब आप कार्रवाई होने ही नहीं दे रहे हैं संसद की, आपको मिमिक्री करनी है, आपको हु एंड क्राई करना है, कहीं से भी करते रहो भाई। और आज ये सवाल उठ रहे हैं, इमरजेंसी वाले सवाल भूल गए, तो आप भी वही करना चाह रहे हैं, इमरजेंसी लगाना चाह रहे हैं, तानाशाही दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, तानाशाही तो कैसे लोकतंत्र में हो रहा है, संसद में बाकी भी लोग तो काम कर रहे हैं ना, चलने नहीं देंगे आप तो जो है सब नसरक चलने देंगे आपको, देश के जो है मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस से प्रॉब्लम है आपको, देश के सेना से प्रॉब्लम है आपको, जो है ईडी से प्रॉब्लम है आपको, देश के हर सिस्टम से प्रॉब्लम है, ठीक है, देश के जो टैक्स है, ये जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स देते हैं और आपको इलेक्ट करके संसद भेजते हैं, ये क्या उसके दुरुपयोग के लिए वहाँ भेजते हैं कि आप वहाँ जाके और उसका काम ना करें? इससे पहले भी तो विपक्षी दल जो है वो संसद हंगामा करते थे, लोकसभा स्थगित होती रही है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई है, भरत सिंह जी जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता महोदय से, जिस सांसद के लेटर से वो चार लोग घुसे थे उनको आप सस्पेंड करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के बजाय आप जो है 141 सांसदों को इसलिए सस्पेंड कर दिए क्योंकि उनको बचाना है और गृह मंत्री अमित शाह को बचाना है। अरे गृह मंत्री का जवाबदारी बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि वो आए संसद में और जवाब दे। जिस संसद के बारे में ये कहा था प्रधानमंत्री ने कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां पे चार जिंदा हट्टे कट्टे बड़े बड़े जो है वो लोग जो है घुसते हैं, चिड़िया तो छोड़िए, चिड़िया का बच्चा तो छोड़िए, बड़े बड़े जो है वो व्यक्ति वहां पे घुसे, यही संसद की सुरक्षा थी। कल्पना करिए आपके अगर वो कहीं दूसरे कोई आतंकवादी अगर होते तो क्या आज माहौल होता और क्या ठीक है। भरत जी ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं और कांग्रेस भी बात रख चुके हैं। ये पूछना क्या गुनाह है विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष के सांसदों का कटघरे में खड़े करना? अगर संसद में वो गृह मंत्री को चाहते हैं कि बयान दे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चिड़िया पर नहीं मार सकता था तो कैसे पर मारा, आप बताइए, और संसद में क्या ये कहना, ये मानना ठीक है? भरत जी ठीक है बात आगे, पहले भी कई बार ये बातें आ चुकी हैं, ठीक है? ठीक है भरत जी, सुन लीजिए, मैं कुछ क्या कह रहे हैं, भरत जी सुन लीजिए, पांडे जी एक मिनट, मुकुंद जी एक मिनट को बात पूरी कर लेने दीजिए, मुकुंद जी 10 सेकेंड, मुकुंद जी 10 सेकेंड, उस रमेश बिजोड़ी के लिए आपने क्या किया जिसने मतलब पतंजलि जी की सारी हदें पार कर दी थी संसद से, कहाँ गया वो दिन, कहाँ गए वो जो है पीठासीन जो 41 सांसदों को 141 सांसदों का बाहर का रास्ता दिखाए, रमेश बिजोड़ी को क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं उस सांसद के जिसके हस्ताक्षर से गए थे उसको बाहर का रास्ता दिखाया? बड़ी बड़ी बात करते हैं चैनल उस पर बैठ के आप लोग, नहीं ये नहीं ये नहीं, अरे ये सबसे कम जो है इस तरह से जो है तानाशाही नहीं चलेगी, देख रहा है। ठीक है, बोलिए बोलिए मुकुंद जी, बोलिए जी। नवीन जी, मैं भारतीय जनता के प्रवक्ता के नाते नहीं, देश की आम जनता के नाते ये सवाल करता हूँ कांग्रेस पार्टी से, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना या सॉल्यूशन देना ये चूक है, बहुत बड़ी चूक है और शर्मसार करने वाली चूक है, देश के हर नागरिक को शर्मसार करने वाली चूक है कि हमारे संसद से हमारे ही देश का एक नागरिक घुसे और ऐसा शर्मनाक। यही बात तो विपक्ष कह रहा है, तो आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं। आपको एक मिनट नवीन जी, आग नहीं पानी जरूरत है, हर स्तंभ को यहाँ पानी की जरूरत है कि आप कैसे चूक हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ी करो उसको, लेकिन एक सॉल्यूशन वाले अप्रोच के साथ खड़े करो या फिर हंगामा वाले अप्रोच। अगर हंगामा वाले अप्रोच से खड़े करते हो तो फिर हंगामा करते रहो फिर तुम क्या होगे, तुम
दावा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं ये सारा इकट्ठे होके कितना भी तो फिर दिख जाएगा इनको आपने इतिहास बनाया उस इतिहास के लिए आपको बधाई और देश की जनता 2024 में आपको इसके लिए हाँ महाराज जी ऐसे ही आप बाहर बाहर के बोला करते थे इस जो 5 राज्यों के हिंदी पट्टी के चुनाव हो गई आप ही चुनाव से 2 दिन पहले के डिबेट में आप और करवा लीजिए मैंने चर्चा को आगे बढ़ा दीजिए ठीक है भरत जी ईवीएम पे तो मुकुंद जी आपकी बात आ चुकी है मुकुंद जी आपकी बात आ गई है सुमित मल्होत्रा साहब ये बताइए कि जिस तरह से टीएमसी का स्टैंड है लगातार जो है संसद से निलंबन पे आक्रामक रुख अख्तियार करना और जिस तरह से आगे अब आप इंडिया गठबंधन के सहारे जो है इस लड़ाई को कैसे कहां ले जाएंगे नवजीत भाई बहुत बढ़िया बात है पर हमारे संस्था के प्रवक्ता साहब हम सबसे सीनियर हैं पता नहीं आग बबूला क्यों हो जाती है इन्हें होना नहीं चाहिए बिल्कुल शालीनता से बात रखनी चाहिए चाहे हम रखें चाहे ये रखें चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब रखें क्योंकि डिबेट हो रही है अब तो क्या मैसेज दे रहे हैं क्या कहना चाहते हैं जनता भी सुने बस आज जिस तरीके से देश के अंदर देखिए आपको प्रणाम कर सकता हूँ नमस्कार कर सकता हूँ आप सबसे सीनियर है थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए क्योंकि आपकी उम्र हमसे ज्यादा है बहुत अच्छा अच्छी बात है कि आज देश के इसकी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता है बहुत अच्छी बात है बहुत कुछ सिखाया जाता है पर केवल सिखाया जाता है केवल वहीं पे उस कोचिंग क्लास में और पर जिस तरीके से लोग संसद भवन के अंदर बैठ करके गाली देना करना ये भी सिखाया जाता है कि केवल भाजपा के लोग भाजपा के सांसद ही विपक्ष के लोगों को गाली दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर कोई इनका निलंबन नहीं होगा कोई कुछ नहीं होगा कितने ही आतंकवादी देश के अंदर घुस जाए आप मुझे बताइए 5 लोग संसद के अंदर घुसे जिसके पास पे उस संसद का उस सांसद का क्या हुआ उसके पास कोई कार्रवाई हुई बताइए कि आगे की रणनीति क्या होगी सब बातें हो चुकी हैं नहीं हो नहीं चुकी है नवीन भाई देखिए ये भी आप लोग जलेबी की तरह लपेटते रहते हैं बात को आगे बढ़ेगी नहीं बात आगे बढ़ाइए बताइए ना क्या करेंगे आप लोग ये भी आज जो मीटिंग बताया हुआ है उसको बता दीजिए आज मीटिंग में तय हुआ है ना कि हम संघर्ष करेंगे एक डेट निकाली गई है उसके बारे में जनता कुछ बताइए ना जनता अरे आपको तो सब कुछ मालूम है कि कौन होगा कौन नेता होगा अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से पूछ रहे थे कि कौन होगा हमें सब कुछ मालूम है नीतीश कुमार किशोर के पास गए हैं ये अलग हो जाएंगे अरे भाई सब कुछ आपको मालूम है और क्या बताए आपको आप लोग संघर्ष की कोई रणनीति बनी है ममता बनर्जी ने कुछ प्लान बनाया है एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन का यही प्लान है जो दल जहां मजबूती से लड़ा है मजबूती से है वो दल वहां पे लड़ेगा मजबूती से भाजपा को भगाने के लिए ये है रणनीति हमारी कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे ये अभी चुनाव में समय है बहुत सी चीजें हैं एक एक करके चीजें होंगी ना कि सारी चीजें आपके सामने एक ही बार रख दे मीटिंग छोड़ दिए सारी चीजें हो रही है आपको खुद पता लगेगा ठीक है सारी जनता को पता लगेगा भाजपा के लोगों को पता चलेगा अगर ये लोग इतने ही परेशान है तो पहले अपने दल में देखे ना कि हमें 38 दल है हमें कहां पे किसको देना है अभी तो उत्तर प्रदेश के जो इनके दल है वो भी भाग लेंगे देखिएगा ये सीट देंगे नहीं सीट शेयरिंग तो इंडिया भी होना है ये पहले अपने दल अपने घर में जाकर देखे ना दूसरे के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कौन जा रहा है कौन नाराज हो रहा है इन्हीं की गाय की चिंता है अपने घर में देखने दूसरे घर में जाना बंद करें ठीक है इंदुकांत दीक्षित जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है लगातार सस्पेंड कर रही है ये रणनीति क्या घातक नहीं साबित होगी जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं इसके पीछे क्या सोच हो सकती है बीजेपी की नवीन जी मेरी आवाज आ रही है ना जी आ रही है आपकी आवाज थोड़ा सा आवाज अपने लोगों का उठाइएगा आप लोग की आवाज थोड़ी कम सुनाई पड़ रही है आपके प्रश्न पे आता हूँ देखिए जो स्ट्रेटजी बीजेपी ने अपनाई है इसके पीछे हाल के जो कह रहे थे मुकुंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे
जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं वो एक बड़ा कारण है कि वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के फैसले के पीछे आप जरा जाएंगे तो देखिए कारण क्या है। क्या इससे नकार सकते हैं हमारे मित्र कांग्रेस के कि जब ये नए सदन में सारे लोग आए थे तो इन्होंने तय किया था मिल करके बैठ के कि कोई तख्तियां लेकर के सदन में नहीं आएगा, सबने आम सहमति से तय किया था कोई बिल में नहीं आएगा सदन में अध्यक्ष के आसन के सामने, और सबने मिलकर तय किया था कि ये दोनों कंडीशन में कार्रवाई अनुशासनात्मक होगी। जब दोनों सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा में और सभापति उपराष्ट्रपति महोदय ने धनखड़ साहब ने जब राज्यसभा में चेतावनी दी कि ये तय हुआ है और हम कार्रवाई करने को मजबूर होंगे तो लोगों ने किस तरह का रुख अपनाया। आप स्वयं देखें यहाँ सुमित जी बैठे हैं, क्या आप अगर किसी विधायक को आपने कितनी बार सस्पेंड किया है वेस्ट बंगाल में, और सस्पेंड करने के बाद जो डायरेक्ट ने किया राज्यसभा में कि वो सदन छोड़ने को नहीं तैयार थे। देखिए आप चुनौती दे सकते हैं कि उनको सस्पेंड करने का फैसला गलत होगा, उनको निष्कासित करने का फैसला गलत होगा, लेकिन उसके बाद ये तो ऐसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कहा कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए या सदन के बाहर चले जाओ और व्यक्ति वहीं धरने पर बैठ जाए, ये क्या अराजकता नहीं है? ठीक है और उसके डायरेक्ट के कारण पूरे दिन का मेरा इंदुकान जी मेरा सवाल सही है गलत पे नहीं है, सही गलत तो चलिए ठीक है आपने डिसाइड कर दिया, मेरा सवाल स्ट्रेटजी को लेकर है। चुनाव से पहले बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी घातक होगी साबित, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है और लगातार प्रदर्शन करने जा रही है पूरे देश में? मेरा ये मानना है नवीन जी कि ये दुधारी तलवार है। हमने आपसे कहा स्पष्ट तौर पे कि 5 राज्यों की स्थिति देखते हुए बीजेपी ने इस तरह का हार्ड स्टैंड लिया है। अब बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष को ये दिखाना चाहता है देश की जनता के सामने कि अराजकता इनके डीएनए में है और ये यही करते आए हैं 4 साल से और आगे भी करेंगे, और अब वो इतने हिम्मत में आ गए हैं कि हम ये करके जनता के सामने और उसके बाद राम मंदिर का, कश्मीर की ट्रेन का, बनारस के वंदे भारत का, तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और ये लोग सीटों के अरेंजमेंट और इस तरह के बवाल करते रहेंगे तो देश की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है जो आपका सवाल है कि इसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है, अगर इनकी एकजुटता ठीक से बनी और ये जनता में ठीक संदेश दे पाए तो इन्हें सिंपैथी भी मिल सकती है। अच्छा भरत सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आज जो है कहा कि कम से कम 300 सीटों पे हम लड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद विपक्ष के लिए बचता ही कुछ सीटें नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं होगा सीट जो शेयरिंग है उसका फॉर्मूला निकालना आपके लिए? पहले से अगर आप पढ़ जाएंगे कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे तो विपक्ष के लिए कुछ बाकी साथियों के लिए कुछ सीटें छोड़ ही नहीं रहे आप लोग? शिवसेना के सामना में भी आज जो है उन्होंने भी आज समझाया था आपको, नेता का नाम लाइए और जो है चेहरा लेके आइए, ममता बनर्जी जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया, केजरीवाल जी ने समर्थन किया, उसके बावजूद भी आप सामने नहीं लेके आ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि अभी गठबंधन ने पूरी तरह जो है फूट पे काबू नहीं पाया सका है। देखिए नवीन जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि सवाल भी आप इस तरह से पूछेंगे कि आप मुझसे अलग से पूछेंगे, टीएमसी से अलग से पूछेंगे, हिंदू भाई से अलग से पूछेंगे? नहीं, तो सामना में तो आज लिख के आया, वो सबने देखा है, सबने पढ़ा है। देखिए सामना अपना मुखपत्र सामना का है, वो शिवसेना का है, तो उनको लिखने का अधिकार है ना। अब ये विचार तो शिवसेना का ही है ना, उस पर पूछ रहा हूँ। अरे भाई भाजपा नहीं बन सकती ना कांग्रेस पार्टी, किरे बंद कर दो ये सब मत लिखो, चुप हो जाओ, कोई भी अलायंस का आदमी नहीं बोलेगा, कोई भी जो है एनडीए में जितने भी अलायंस है सब चुपचाप रहना, जो भी हम कहेंगे उसे मत कहना। हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो अपनी बातों को रखना चाहते तो रख सकते हैं। अब मैं ये पूछूं आपसे, क्या भाजपा 38 दलों को लेके खुद एक, अगर उनको हटा दिया है तो 37 दल भी है इंदु भाई उनके पास, इंदु प्रकाश जी 37 दल है, तो क्या 37 टिकट ही सिर्फ देगी वो लोकसभा की? ये जो दल है एक बार मुंह तो खोले, एक बार पूछे तो सही कि आप भाजपा वालों से कि आप अपने जो है अलायंस को कितना सीट देने वाले, ये तो आप पूछते ही नहीं। सिर्फ जो है कांग्रेस को कितना सीट मिलेगी, टीएमसी कितना देगी, सपा कितना देगी, ये कितना देगी, अरे भाई सब कुछ हम ही जवाब देने के लिए बैठे हैं। कहा जाता है इस देश में कि सत्ता पक्ष में जो होता है वो जवाब देता है। ये तो नया टेंस चला आज, तो काम आपका, आपकी बात हो रही है ना, जवाब आपसे लेंगे।
मैं सबका जवाब देता हूँ, मैं पहले तो आपका जवाब दे दूँ ना कि हमेशा से ये हुआ है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो जवाब देता है और देश का चौथा स्तंभ जो सत्ता पक्ष से कोई तो हमने जवाब दिया तो उससे पूछा तो जो आपने सांसदों को बर्खास्त किया उसमें जवाब दिया उन्होंने अरे मैं एकदम नवीन जी जा ध्यान तो रखिए मैं सबका जवाब देने बैठा हूँ। बोलिए सत्ता पक्ष से सवाल करने का जो है वो धर्म होता है चौथे स्तंभ का, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है इस समय जो है वो बदल गया है क्योंकि इतिहास बदलने का जो परंपरा शुरू हुआ है शायद लगता है कि चौथे स्तंभ को भी बदलने की परंपरा शुरू हुई है और वो जो है विपक्ष से पूछा कि आप किसको कितना सीट दोगे कितना दोगे लेकिन किससे पूछेंगे। और अब दूसरा मैं दूसरा आपसे पूछ रहा हूँ अगर इंदु भाई आपने कहा कि ये सारे जो नई संसद बनी है उस संसद में जाने से पहले सभी दल बैठे और सबने कहा कोई कार्ड प्ले नहीं लेके जाएगा, कोई जेल में नहीं उतरेगा, कोई हंगामा नहीं करेगा, ये क्या इसका ठेकेदारी सिर्फ जो विपक्ष ही लेके रखा है इंदु प्रसाद जी? रमेश भिदौड़ी संसद में खड़े होके अपशब्द कहे एक सांसद को, एक सांसद दूसरे सांसद को अपशब्द कहे तो क्या ये लिखा था उस समय क्या कि भाजपा जब बोलेगी तो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के जो है सांसद को माफ और बाकी जो बोलेगा उसको 141 जन को पूरी तरह से साफ बाहर कर दिया गया, ये रास्ता दिखा देगा, ये तय हुआ था क्या? आपको अगर बताया गया क्या वरिष्ठ पत्रकार है बहुत अच्छा बोलते हैं बहुत अच्छा नॉलेज भी रखते हैं क्या उनके लिए लागू नहीं होता था क्या? क्या उनके लिए ये लागू नहीं होता था कि जिस सांसद के लेटर हेड पे अगर वो चार लोग आए थे तो पहले उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था कि भैया ये बताओ कि तुम वो चारों लोग को नहीं जानते थे तो तुमने कैसे पत्र दिया और पत्र दिया तो उसकी भुगतान करो, क्या वो जो है उसका भुगतान भी 141 सांसद भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई गृह मंत्री हो ये मेरी जवाबदारी बनती है, चूक हुई है आके मैं चार दिन मुझे समझ दीजिए 3 दिन का 2 दिनों में पूरी हम जांच इंक्वायरी करके इसी संसद में अपनी बात को रखूंगा और ये जो हुआ है ये संसद में ये दोबारा इस तरह से नहीं होगा। क्या गृह मंत्री को आके इस तरह से जवाब देना चाहिए था कि नहीं? क्या उसकी भी जवाबदारी? गृह मंत्री जी ने मीडिया को बोला तो है कि जांच चल रही है, मंत्री जी ने बोला है ये तो नया फिर बोल रहा हूँ यार, क्या चौथा स्तंभ है बाहर बोल रहे हैं आप, मीडिया में बोल रहे हैं आप और संसद में आप आके नहीं बोलेंगे जहाँ पे आपको चुन के लोगों ने भेजा है और जहाँ पे संसद में तो आप हंगामा कर रहे तो कहाँ से बोले, कहाँ से आए बताइए आप? अरे भाई हम अरे वो क्या तो दे हमारे बोलने के लिए हम हंगामा नहीं करेंगे, वो तो क्या है कुछ कल से हंगामा बंद कर देंगे, 2 दिन और बचे कल से बंद कर देंगे। अरे भाई बोले तो सही कि हाँ मैं संसद में आ रहा हूँ अभी हमारा हंगामा बंद हो जाएगा, 50 वाला जवाब मांगा अरे बोल देंगे, बोले तो सही अरे डरे मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत के नव निर्माण के शिल्पकार हमारे कामगार अब किसी भी परिस्थिति में नहीं है अकेले, हर कदम पर साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हर श्रम साधक को काम और सम्मान दिलाने में निभा रही है उपयोगी भूमिका। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पारंपरिक कार्यों को चिन्हित कर कारीगरों को मिला निशुल्क प्रशिक्षण, उन्नत किस्म का टूलकिट। प्रशिक्षण अवधि में कारीगरों के परिवार की जीविका प्रभावित ना हो इसके लिए की गई मानदेय की व्यवस्था। विभिन्न बैंकों के माध्यम से कामगारों को उपलब्ध कराया जा रहा है बिना गारंटी लोन। कामगारों के सम्मान के साथ ही ODOP और MSME को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में उपयोगी भूमिका निभा रही है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। श्रमिकों का सम्मान, हुनर को नई पहचान। ब्रेक के बाद राजधर्म आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज 28 दलों की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद क्या कुछ निकल पे आया है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं सुमित मेहरोत्रा साहब, इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सब बातें हो गई सीटों के बंटवारे के बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया, कहा अभी डिस्कस करेंगे, अभी मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे आज बहुत डिस्कस हुए हैं मीटिंग में, वो बता दीजिए। जाति आधारित जनगणना जो है वो मुद्दा रहेगा इंडिया गठबंधन का, जो कांग्रेस का कोर मुद्दा है,
इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ उठाने वाले हैं? नवीन भाई, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने करा क्या है मुझे आप बताइए, 10 सालों में इन्होंने करा क्या है? एक का बेड़ा गर्क। सबसे पहला मुद्दा 2 करोड़ नौकरियों का, दूसरा मुद्दा नोट करिए काला धन लेकर के आएंगे, हमें लेकर के आइए काला धन आ जाएगा, आज तक नहीं आया। 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने सारी सभाओं में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके ये कहा है, मेरे पास लिस्ट है काले धन वालों की, आज तक नहीं दिखाई है। क्यों नहीं दिखाई, दिखा दीजिए ना, क्यों डरते हैं साहब? अरे जनता के सामने लेकर के आना चाहिए, वो नहीं दिखाई है। देश के भगौड़े नीरव मोदी, विजय पालिया, ये कहां है जो लोग देश का पैसा लूट करके भागे थे? कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं? जब चुनाव होता है विजय माल्या, अब एक ट्रैकिंग न्यूज आती है विजय माल्या अब आ रहा है, नीरव मोदी अब आ रहा है, देश की हिंदुस्तान की एजेंसियां जा करके उसे अब लेकर के आ रही है, अब लेकर भाई कौन सी ये मुद्दे तो बहुत समय से उठा रहे हैं आप, लेकिन जनता समर्थन नहीं कर रही है। लगातार कांग्रेस हार रही है जहां चुनाव में है, और पश्चिम बंगाल में तो खैर बात अलग है, वहाँ चुनाव हाल फिलहाल हुए नहीं है, लेकिन पूरे देश में जो मिजाज निकल के आ रहा है ये मुद्दे चल नहीं रहे हैं। कुछ नए मुद्दे नहीं लेके आएंगे आप? अरे मैं मुद्दे सब कुछ चल रहे हैं, कौन कह रहा मुद्दे निकल रहे हैं? ये आप कह रहे हैं ना, चौथा हम नहीं कह रहे, जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उत्तर भारत में खास तौर से, वहां की जनता कह रही है, गोदी मीडिया कह रही है को तो भाजपा से एक शब्द नहीं पूछेगी, पर सारे सवाल पूछने का अधिकार उनको विपक्ष से है, क्योंकि विपक्ष ही इस समय सरकार में बैठा हुआ है, हमें तो ऐसा लगता है। आज की जो चर्चा है वो आपके इंडिया गठबंधन के बैठक पर है, उसकी जानकारी आपसे ली जा रही है, सवाल लगातार हमारे शो में पूछे जाते हैं। मैं भी आपको एक मुद्दा दे रहा हूँ, आप बात पूछिए इनसे। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नाराज कर रहे हैं डिप्टी सीएम, क्यों ना आ जाए, क्यों मीटिंग में नहीं जा रहा, ये पूछिए इनसे। इतनी बड़ी पार्टी के डिप्टी सीएम सब जगह, इनके मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में बड़ा विवाद चल रहा है कि आपने दो डिप्टी सीएम बना दिए, काफी लोग जाकर के कोर्ट में केस कर रहे हैं कि हटाइए संविधान में नहीं है। तो ये आप लोग विपक्ष में ही सारे सवाल पूछेंगे तब तक चलिए और कुछ चीजें और कुछ समय है, पर इनकी इस बार जनता विदाई करके रहेगी झूठे लोगों के, झूठे जुमले वालों के। ठीक है, अरे रोजगार की बात करिए, मंदिर मस्जिद की बात मत करिए कि हम मंदिर का निर्माण कर देंगे। अरे भाई 2 साल लगेंगे, वहां के खुद चंपक राय जी जो ट्रस्टी हैं उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया, इसको मंदिर में 2 साल लगेंगे, पहले चुनाव से पहले इनको टीवी में दिखाना है, देखो हिंदुओं, देखो जनता, हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, राम मंदिर बन गया। अरे भाई 2 साल लगेंगे, आप कहिए ना, प्रभु श्री राम हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मंदिर का पूरा भव्य बन जाएगा, हम भी जाएंगे वहां पे पूजा करने। ठीक है सुमित जी, कौन नहीं जाएगा, सब जाने जाएंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव जीतती रही है उस समय विपक्ष एकजुट नहीं था, इस बार विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एक एक प्रत्याशी उतारेगा। आपको लगता नहीं कि बहुत सारी सीटों पर आपको दिक्कत होने वाली है, जिस तरह से बिहार में विपक्ष मजबूत है, जिस तरह से आप कहते पश्चिम बंगाल में पूरे दक्षिण के 130 सीटों पर आपकी हालत वाकई बहुत मजबूत नहीं रहने वाली है? नवीन जी, सबसे पहले एक लाइन में भरत भाई का जवाब देता हूँ कि वो जो अभी मांग रहे थे जवाब, तो गृह मंत्री जी तो 1950 वाला जवाब मांगा है संसद में, वही नहीं आ रहा है, तो अभी 2023 वाला जवाब तो थोड़ा लेट ही आएगा कि भाई 1950 में जो कश्मीर में मुस्लिम आबादी थी उससे कितना ज्यादा बिहार में था, राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था, बट फिर भी सीए वही ऐसा वहाँ कश्मीर के में क्यों लागू हुआ, तो ये तो इनका जवाब हो गया। अब दूसरी बात कि चुनाव हम कैसे जीतेंगे, हम चुनाव ऐसे कि विपक्ष के पास मुद्दा कि हम अराजकता फैलाते हैं, हम भ्रष्टाचार फैलाते हैं, हम देश में लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, ये भी कहा है, एजेंसी पे विश्वास नहीं, इनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे भी विश्वास नहीं, अभी जो इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, तो इनको जो है किस पे रोजगार या रोजगार के लिए प्रोपोगंडा, रोजगार के नाम पे प्रोपोगंडा, वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बिना रोजगार के हो गई भारत, तो इनको न देश पे विश्वास है, न देश की जनता पे विश्वास है, न देश के किसी एजेंसी पे विश्वास है, कि जनता को भी इन पे विश्वास नहीं,
क्योंकि ट्रस्ट इज नॉट मेड इन अ डे एंड यू हैव प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट काइंड ऑफ ट्रस्ट यू हैव. और हमने भी प्रूव किया है कि हमने किस तरह का विश्वास जनता का जीता है. तो इसलिए आप अपने ख्याली पुलाव. लेकिन दक्षिण भारत में मुकुंद कुमार जी बहुत दिक्कत होने वाली है आपको. 130 सीटें आती वहां से. कर्नाटक में आप चुनाव हार चुके हैं. तेलंगाना में आप जीत नहीं पाए. देखिए चुनाव जो है चुनाव स्ट्रैटेजिकली लड़ा जाता है और चुनाव पूरा पूरी आपने पिछले अपने कार्यकाल में या अपने विपक्ष में किस तरह का रोल निभाया है देश की जनता उसी पे मोहर लगाती है. ठीक है यही हमारा विश्वास. ठीक है मुकुंद जी आपकी बात आ गई. ठीक है ये नया भारत है. अब ये नया भारत है जहाँ की जनता जूझ बूझ के साथ. ठीक है मेरे पास आखिरी के दो मिनट बचे हैं. बस आखिरी के दो मिनट इंदुकांत दीक्षित जी समाप्त करिए. बताइए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है खासकर देखते हुए कि दक्षिण भारत में बीजेपी उतनी मजबूत बिल्कुल नहीं है. नवीन जी मैं दो तीन बातें अपनी रखना चाहूंगा. एक तो जो दक्षिण भारत में आपने बात कही उसमें थोड़ा मेरा मत भिन्न है. दक्षिण भारत में वास्तव में तेलंगाना में बीजेपी हारी नहीं है. वहां थी कहां वो. उसने अपनी ताकत बढ़ाई ये अपना देखने का नजरिया है. वो दावा कर रहे थे कि हम आ जाएंगे पावर में ये सभी. लेकिन हम लोग पत्रकार लोग सारे निरपक्ष लोग जानते थे कि उनकी ताकत बढ़ेगी सत्ता में नहीं आएंगे. दूसरा कर्नाटक में आपको मालूम है कि उनके पास लोकसभा की 26 सीटें हैं और फिर से क्योंकि सरकार वहां बनी है कांग्रेस की. तो मैं इसमें कर्नाटक नहीं हूँ. लोगों में इस ढंग का भाव बन रहा है कि उन्होंने शायद गलत फैसला कर लिया. तमिलनाडु और केरल में पहले नहीं थे वो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं. तो वहां उनका पीछे से कोई कमी आ रही है ऐसा कम है. दूसरा आपने स्वयं बताया कि नीतीश कुमार और लालू पहले चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रुके. तो भरत जी ने क्या जवाब दिया. चाचा को अगर चाची को अगर मुंह छूती तो वो चाचा नहीं होते. बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने. अगर ये जो इंडिया अलायंस के लोग एकजुट होते. आपने देखा था पटना की पहली मीटिंग में आपके लोग चले गए थे यहाँ पे लालू और नीतीश चले गए थे. जिनको एक मीटिंग इतने दिनों बाद जब होती है तो बड़े नेताओं को जिसको प्रधानमंत्री और संयोजक के रूप में नीतीश जी को देखा जाता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुकने का एकजुटता का मैसेज देने का समय नहीं मिलता है. चाचा चाची की बात आ जाती है. वो कैसे 8-10 मीटिंग करेंगे और 1 तारीख तक सारी सीटों का बंटवारा कर लेंगे. लेकिन एक लास्ट बात कि अगर आपने इसके बावजूद एकजुट हो गए विपक्ष के लोग तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी लड़ाई. भरत जी आखिरी 30 सेकंड. ठीक है आपने ये कहा कि आप लोग चुनाव में कैसे लड़ने जा रहे हैं. मैं आपको कह दूं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गारंटियां दे रहे थे 25 गारंटी उस 25 गारंटी में आज तक एक गारंटी भी नहीं पूरी हुई. चाहे वो किसानों की आय की बात हो चाहे वो घर देने की भी बात हो चाहे वो काला धन देने की बात हो चाहे वो दो ये सारे सारे जितने भी जो है उनकी गारंटी थी सारी गारंटी फेल हो गई. ये सारी गारंटियों को हम जनता के सामने लेके जाएंगे और ये दिखाएंगे कि भैया ये जो 10 सालों में इनकी सारी गारंटी फेल हो गई है. नई गारंटी जो लेके आई है वो इंडिया ने इंडिया का. ठीक है आपकी बात आगे. ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है जो गारंटी उस अभियान चला गया विपक्ष. फिलहाल आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद. राजधर्म में आज इतना ही. वक्त एक ब्रेक का है. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. नमस्कार.